तो ये वीडियो मुझे बहुत लेट बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं मुंबई से जब निकल रहा था तो बारिश हो रही थी और मुझे ऑफिस जाना था, तो बहुत लेट हो रहा था इसकी वजह से मैं, क्योंकि घर से ही भी बहुत ज़्यादा लेट निकला, इसके लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। तो ये वीडियो मैं अभी ट्रेन से निकलते टाइम में बना रहा हूँ, बाहर का व्यू खराब था। तो अभी पहुँचेंगे और जो भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियोज वगैरह शूट करी उनको एडिट करके मैं आपको एक ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आप ही एक लोग ने रिक्वेस्ट करी तो मैं ब्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा और मज़ा आ रहा है फिलहाल। फिलहाल अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है बाहर, और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से कुछ वहाँ पर दिख नहीं रहा, कांच के बाहर भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं और पूर्णा यहाँ पे ऑफिस से निकल रहे हैं। सुबह एकदम 5:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, पूरा आसमान वगैरह देखो यहाँ पे काफ़ी एकदम अंधेरा सा छा रखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ। पूर्णा यहाँ पे काफ़ी सैड सी दिख रही है, एकदम से इसको रोने जैसा हो रहा है इसकी, क्योंकि उसको अभी ऑफिस अकेले आना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मैंने मुंबई की लोकल पकड़ी और चर्च गेट के लिए निकल गया, क्योंकि भाई वहाँ पे चर्च गेट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई यहाँ पे अपना लगेज लेके जा रहे हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे लगेज लेके जा रहा हूँ। तो भाई तो यहाँ पे निकलने से पहले यहाँ पे चाय नाश्ता ले रहे हैं, वहाँ पे वो देखो चाय नाश्ता ले रहे, कुछ ले रहे हैं खाने पीने के लिए। हम लोग को जगह बहुत भूखे अभी सुबह से, मैं तो ऑफिस से ही आया हूँ, अभी कुछ खाया भी नहीं। यहाँ पे सामने जो लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये सब लोग पहले से ही लाइन लगा के बैठे, मतलब एक दिन पहले से ही लाइन लगा के बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे सामने देखो, वहाँ पे बहुत सारे लोग। ट्रेन आ गई और हमें फटाफट चढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा है। ये चाय 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 कुछ याद आया, उनके बिना ट्रेन अधूरी है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो भाई ने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और हम यहाँ पे पिज़्ज़ा बैठ के खा रहे हैं, खाना नहीं खाने वाला था। सनसेट देख के कोई बता सकता है क्या कि ये सुबह का है या फिर रात का? तो अभी हम फाइनली अपनी ट्रेन से उतर चुके हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अभी हम उतरे हैं। पूरा लगेज वगैरह सब हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर भी है, आप इसको देख सकते हो यहाँ, और ये हमारे गाँव के पड़ोस के ही एकदम जस्ट। तो हमें यहाँ पे कैब मिल चुकी है और अब हम इसी कैब में जाने वाले हैं अपने घर तक। बाबू आ गए हम लोग के यहाँ पे ले जाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।